हेलो फ्रेंड्स आज का कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन ऑन एस्ट्रोलॉजी दो लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं वन हैज फेथ इन एस्ट्रोलॉजी एंड अनदर वन डज नॉट हैव फेथ इन एस्ट्रोलॉजी सो वी विल लर्न हाउ टू कॉन्वर्सेट विद पीपल ऑन द टॉपिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये कॉन्वर्सेशन सुरेश आई एम वेरी डिप्रेस्ड मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ डू यू नो एनी एस्ट्रोलॉजर हु कैन हेल्प मी क्या तुम किसी ज्योतिष को जानते हो एस्ट्रोलॉजर को जानते हो जो मेरी सहायता कर दे आर यू क्रेजी क्या तुम पागल हो गए हो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर यू आउट ऑफ योर माइंड क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है डू यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स क्या तुम इन सब चीजों में विश्वास करते हो दीज थिंग्स ओनली मिस पर्सन ये जो चीजें होती हैं किसी इंसान को केवल भ्रमित ही करती हैं दीज थिंग्स ओनली मिस गाइड अ पर्सन वेन अ पर्सन इज सराउंडेड विद मैनी प्रॉब्लम्स ही स्टार्ट बिलीविंग इन इट जब कोई इंसान बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ होता है वो इन चीजों में विश्वास करना स्टार्ट कर देता है शुरू कर देता है वैन अ पर्सन इज सराउंडेड विद मैनी प्रॉब्लम्स ही स्टार्ट बिलीविंग इन इट

यार तुम गलत वर्णन कर रहे हो दीज पीपल मिस गाइड ओनली ये लोग केवल भ्रमित ही करते हैं टूडे इज द साइंटिफिक आज का युग वैज्ञानिक युग युग है विज्ञानिकुडे इज साइंटिफिक एरा यू मस्ट बिलीव इन साइंस तुम्हें विज्ञान में विश्वास रखना चाहिए यू मस्ट बिलीव इन साइंस दिस इज Your misinterpretation. These people misguide only. Today is the scientific era. You must believe in science. Astrology is also an ancient science. Astrology, Jyotish bhi ek purani vijnan hi hai. Ancient means purana. Ancient purana. Astrology is also an ancient science. डेटल अबाउट आवर फ्यूचर वो हमें हमारे भाग्य के बारे में भविष्य के बारे में बताते हैं विच इज बेस्ड ऑन द कंडीशन जो कि ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर होती है एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो एन एंशियंट साइंस डेटेल्स अबाउट आवर फ्यूचर विच इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ प्लानिट इन आवर कल्चर इट इज बिलीव्ड दैट

भाग्य को निर्धारित कर सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन माइ फेट मैं अपने भाग्य के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हो रहा हूँ आई बिलीव इन वर्क मैं कार्य में ही विश्वास रखता हूँ बट दैट इज समथिंग बट इज समथिंग विच इज कॉल्ड लक पर कुछ होता है जिसको हम भाग्य कहते हैं आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट ओनली मैं केवल उसके ही बारे में जानना चाहता हूँ I am not getting dependent on my fate. I believe in work, but there is something which is called luck. I want to know about that only. How does it make a difference? isse kya fark padta hai How does it make a difference? I did not get you. मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है. What will happen if he says that your future is bright? क्या होगा अगर वो कहे कि तुम्हारा भविष्य चमकीला है या तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा है वट विल यू डू टू योर सेल्फ और तुम क्या करोगे अपना इफ ई सेज दैट ही विल गेट नथिंग यू विल गेट नथिंग इन योर फ्यूचर अगर वो ये कहता है कि तुम अपने फ्यूचर में अपने भविष्य में तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा तो तुम अपना क्या करोगे यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो एंड डू योर बेस्ट विदाउट थिंकिंग टू मच और ज्यादा सोचने की बजाय अपना बेस्ट दो अपना सर्वश्रेष्ठ दो यू शुड डू योर वर्क विदाउट एनी प्रेशर तुम्हें अपना कार्य बिना किसी दबाव में करना चाहिए यू विल फाइंड दैट द थिंग्स आर गेटिंग बैटर और तुम्हें पता चलेगा कि चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं वॉट विल हैपन इफ ब्राइट और व्हाट विल यू डू टू योर सेल्फ if he says that you will get nothing in your future you just focus on your work and do your best without thinking too much you should do your work without any pressure you will find that the things are getting better you are right at your place but it affects psychologically but i will not lose my hope if he says Something bad about my future. मैं अपनी आशा बिल्कुल नहीं खोगा अगर वो मेरे भविष्य के बारे में कुछ बुरा कहते हैं बट आई गेट सम मोटिवेशन पर हाँ मुझे कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा यू आर राइट एट योर प्लेस बट इट इफेक्ट साइकोलॉजिकली आई विल नॉट लूज माई होप इफ ई सेट समवेशन पर मुझे थोड़ा उत्साह मिलेगा तो ये हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजी के पक्ष और विपक्ष में दो लोगों के माध्यम से कॉन्वर्सेशन दिखाया है आई होप ये आपको पसंद आया होगा अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू बाय